भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। भारत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गाँव में यह ग्रहण दिखाई देगा और यह ग्रहण बड़ा ही अद्भुत ग्रहण है, क्योंकि रविवार के दिन ग्रहण का होना अपने आप में दुर्लभ महासंयोग है और यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण मिथुन राशि के ऊपर घटित होगा तथा आद्रा एवं मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर यह ग्रहण होगा। तो इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे। जब भी कोई ग्रहण होता है तो इसका पृथ्वी के ऊपर व्यापक प्रभाव होता है। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। जब भी कोई ग्रह गोचर ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है और जब ब्रह्मांड में कोई घटनाक्रम होता है तो भी उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर अवश्य होता है। जैसे आपने देखा है कि जब गर्मी आती है तो हमारे शरीर में भी जो है अत्यधिक हमें गर्मी महसूस होती है और जब बरसात आती है तो हमारे शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है और जब शीतलता आती है, ठंडक आती है तो हमारे शरीर में भी बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। तो यह ग्रहण जब घटित होगा तो इन राशियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव होने वाला है। ये जो 4 राशियां हैं, इनको शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बन रहा है। इनके लिए कोई ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे इनको बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और ये 4 राशियां हैं, मेष राशि सबसे पहली राशि है, इसको बहुत अधिक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सिंह राशि, इसको भी शुभ समाचार और शुभ संकेत इस ग्रहण से प्राप्त होने लगेंगे। इसके अलावा जो तीसरी राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को भी इस ग्रहण से अत्यधिक शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और अगली जो चौथी राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों को भी अच्छे संकेत, अच्छे समाचार इस ग्रहण के माध्यम से प्राप्त होने लगेंगे। जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसका ठीक 6 माह तक व्यापक असर मनुष्य के ऊपर देखने को मिलता है। तो इस ग्रहण का भी 6 माह तक असर देखने को मिलेगा और 20 जून की रात्रि यानी शनिवार की रात्रि 10 बजे से इसका सूतक संपूर्ण भारत में प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन दोपहर 2:06 तक लगातार रहेगा और 21 जून को सुबह 10 बजे सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और जो कि दोपहर 2:06 तक रहेगा। और इस ग्रहण के दौरान सभी को ग्रहण के नियम पालन करना आवश्यक होगा। ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए तथा अपने घर के मंदिरों के पट बंद रखना चाहिए। ग्रहण के समय किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए। ग्रहण के समय पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय केवल ईश्वर का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप नियम पालन करेंगे तो आपके लिए यह ग्रहण उत्तम फलदायी साबित होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।